सोलन शहर में चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। दिन दिहाड़े यहां एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सोमवार को शहर में ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुसकर चोरी का तीसरा मामला सामने आया। जोहार पार्क के नजदीक चोरों ने एक घर की ग्रिल तोड़कर करीब 60 से 70 हजार रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोलन शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सोलन के जोहार पार्क के समीप चोरों ने घर को उस समय अपना निशाना बनाया जब घर के मालिक राजेश महाजन सहित परिवार के सभी सदस्य बाहर गए थे। महाजन अपनी बेटी के घर किसी समारोह में शामिल होने गए थे। उन्हें किसी पड़ोसी ने दूरभाष पर सूचना दी कि उनके घर पर चोरी हो गई है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। राजेश महाजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पड़ोसी ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर पर चोरी हो गई है। पड़ोसी ने ही उसकी शिकायत पुलिस में करवा दी थी। उन्होंने कहा कि जब वो घर पहुंचे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और चोर खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए हैं। चोरों ने नकदी और कुछ आभूषणों की चोरी की है। उन्होंने बताया कि घर से करीब 60 से 70 हजार रुपए तक की चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। हम 10 दिन पहले चंडीगढ़ गए थे बेटे को चोरी में, फिर बेटी के पास रुके। कल की आपके घर में लगता है चोरी हुई है, तो फिर हम बड़ा चोर को ठीक कर दिए। चोरन के लिए 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए 8 बजे के करीब। तो यहाँ आकर देखा तो हमारी ग्रीन पहले बाहर का ताला ग्रीन गेट का टूटा था। उन्होंने कोशिश की थी प्लस्टिक और गेट खोलने की, फिर आगे आए तो लास्ट वाले सिर्फ कमरे की टूटी थी, उसके अंदर वो एंटर किए होंगे और उसकी ग्रिल तोड़ नहीं थी। और अंदर आके उन्होंने अंदर का दरवाज़ा लॉक था, वो भी तोड़ दिया है। और थोड़ी सी हमारी ज्वेलरी होती तो नहीं है घर में, पर वो गलती से हमारे रह गई थी। छोटे छोटे दो कानों की शॉप थे और एक छोटा जैसा चेन जैसी थी, हिस्सा जिसको बोलते हैं सहारा बोलते हैं, वो था। और एक चांदी का 100 ग्राम का बिस्किट था, वो पूजा के खाने में था और पूजा के खाने में 1000 रुपया होगा कैश। वहीं सर्कुलर रोड पर स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे में भी चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।